प्यारे मित्रों, पिछले क्लास में हम लोग एसिम्प्टोट्स निकालने का दो मेथड पढ़े थे। एसिम्प्टोट्स का डिफिनेशन पढ़े थे और एसिम्प्टोट्स निकालने का दो मेथड पढ़े थे। आज हम लोग दूसरे क्लास में पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने का मेथड हम लोग पढ़ेंगे। तो मेथड तो हमारा वही दोनों होगा, मेथड फर्स्ट एंड सेकेंड जो पिछले क्लास में पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा अंतर आएगा। और वो अंतर क्यों आएगा, तो उसके लिए हम लोग पहले पैरेलल एसिम्प्टोट्स को समझते हैं कि ये होता क्या है। तो आप लोगों को कल की बात हम याद दिलाते हैं। कल हम लोगों ने मेथड फर्स्ट और मेथड सेकेंड दोनों में हम लोगों ने क्या किया था कि पहले m निकाला था। m का कई वैल्यू आया था, m1, m2, m3, और इस m के वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, c निकाले थे। तो m1 के लिए c1 आया था, m2 के लिए c2 आया था और m3 के लिए c3 आया था। तो डिफरेंट डिफरेंट m के लिए डिफरेंट डिफरेंट c आया था और इस m और c को y=mx+c में रखने पर अलग अलग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया था, जिसको हम लोग एसिम्प्टोट्स बोले थे। अगर m1 रखे थे तो y=m1x+c1, m2 रखे तो y=m2x+c2, ठीक है। तो हमको एसिम्प्टोट्स निकला था। अब अगर m का वैल्यू किसी भी मेथड से बना रहे हो, मेथड 1 से बना रहे हो या मेथड 2 से, m का कोई दो वैल्यू सेम आ जाए, कहने का मतलब अगर m का वैल्यू निकाले और -1 और -1 आ गया, सेम वैल्यू आ गया, तो उसको हम लोग यहां पर डिनोट करते हैं कि m2 और m3 अगर हमारा सेम आ गया, तो इस केस में हम लोग m क्या है हमारा, पहले वो समझिए। y=mx+c में m x का कोफिशियंट क्या कहलाता है, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहलाता है, ठीक है। अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगे तो उसका स्लोप सेम होगा, ठीक है। जितने भी पैरेलल लाइंस होते हैं उसका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब ये m2 और m3 इक्वल हो गए, तो इन दोनों स्लोप से जो एसिम्प्टोट्स बनेगा, एसिम्प्टोट्स कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा, वह स्ट्रेट लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं पैरेलल एसिम्प्टोट्स। अब ये पैरेलल होगा तो इस पैरेलल स्लोप के लिए जो सी निकालने का मेथड है वह मेथड अलग है, जो हम लोगों ने कल नहीं पढ़ा था। हम लोगों ने कल पढ़ा था डिफरेंट एम के लिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एम के लिए डिफरेंट डिफरेंट सी निकालना, और उसके लिए हम लोग उस फॉर्मूला को पढ़े थे। आज हम लोग जब इक्वल स्लोप होंगे उसके लिए सी निकालने का तरीका समझेंगे। तो शुरुआती का जो मेथड है वह सेम है, तो पहले हम लोग मेथड फर्स्ट का, जो हम लोग कल मेथड फर्स्ट पढ़े थे, इसी मेथड से हम लोग सीखेंगे, फिर मेथड टू भी देखेंगे। दोनों मेथड देखेंगे पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने का, मतलब इक्वल स्लोप के लिए सी निकालने का तरीका अलग होगा, बाकी शुरू से जो स्टेप हैं बाकी सेम ही होंगे, तो उसको भी हम याद दिला देते हैं। पहला मेथड में हम लोग क्या किए थे, पहले मेथड का वर्किंग रूल क्या था, कि पहले हम लोग को जो गिवन fxy कर्व का जो इक्वेशन जो हमारा गिवन था, उस गिवन कर्व को हम लोग क्या कर लिए थे, अरेंज कर रहे थे, और वह क्या था, nth डिग्री का। तो nth डिग्री हम लोग इसलिए अभी लिख लिए हैं कि किसी भी डिग्री का, 2, 3, 4 डिग्री का होगा तो हम लोग उसमें कर लेंगे। फिर क्या किए थे, इसको हम लोग अरेंज कर लिए थे। अरेंज करने का मतलब क्या होता है ना, कि डिग्री वाइज हम लोग सबसे फर्स्ट में हायर डिग्री वाले टर्म को रखते हैं, प्लस उसके बाद उससे कम डिग्री वाले टर्म्स को रखते हैं, उसके बाद उससे कम, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में टर्म्स को हम लोग अरेंज कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते थे कि y के जगह पर mx+c हम लोग पुट करते थे,
यहां पर लिख दीजिए पुट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किसमें पुट करते थे, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो में हम लोग इसको पुट करते थे और इसको सॉल्व करते थे, सिंप्लीफाई करते थे इसको, इस पर सवाल भी किए थे। सिंप्लीफाई करने के बाद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसमें रख दिए, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो में। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को इसमें से हायर टर्म्स में जो x का हायर डिग्री होगा उसका कॉफिशियंट, उससे कम वाले का कॉफिशियंट, कहने का मतलब कॉफिशियंट ऑफ, तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, एक्स टू दी पावर एन माइनस थ्री, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे और उसको नाम दे देंगे, एक्स टू दी पावर एन का जो कॉफिशियंट होगा उसको नाम दे देंगे फाई एन एम, ठीक है। एक्स टू दी पावर एन माइनस वन का जो कॉफिशियंट होगा उसका नाम दे देंगे फाई एन माइनस वन एम, ठीक है। एक्स टू दी पावर एन माइनस टू का जो कॉफिशियंट होगा उसका नाम दे देंगे फाई एन माइनस टू एम, और एक्स टू दी पावर एन माइनस थ्री का जो कॉफिशियंट होगा उसका नाम दे देंगे फाई एन माइनस थ्री एम, ये नाम दे दिए, ठीक है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, एक्स टू दी पावर एन तो फाई एन, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन तो फाई एन माइनस वन, ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे और इसको करेंगे। अब उसके बाद का स्टेप था कि हम लोग m का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, फाई एन एम को जीरो करते हैं, फाई एन एम को क्या करते हैं, जीरो करते हैं, और जीरो करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हम लोग का m का वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम लोग को आता है, ठीक है। सॉल्व इट तो m का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आया, m1, m2 और m2 और m3 सेम आ गया। ऐसा हुआ कि दो स्लोप हमारे, दो m का वैल्यू हमारा सेम आ गया, बाकी डिफरेंट आ गया, ठीक है। तो m कैसा मिला हम लोग का, डिफरेंट भी मिला और सेम भी मिला, इक्वल भी मिला और डिफरेंट मिला, कहने का मतलब ये, तो दो m का वैल्यू क्या हो गया, सेम, बाकी सब डिफरेंट हो गया। तो जो m का वैल्यू डिफरेंट है, अब इक्वल वाला को आप यहां पर छोड़ दीजिए, इक्वल वाला को देखिए हम यहां पर लाइन खींच दिए, इक्वल वाले की चर्चा हम लोग बात करेंगे बाद में, यही हमारा पैरेलल एसिम्प्टोट्स देगा। अब जो डिफरेंट है, डिफरेंट में हमारा क्या है, m1 और m4, दो m आए हैं, इन दोनों m को निकालने का तरीका हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, जो डिफरेंट डिफरेंट स्लोप था, आज हम लोग इक्वल वाले को पढ़ने वाले हैं, लेकिन जब m निकालेंगे तो दोनों तरह का m निकलेगा, इक्वल और डिफरेंट भी। तो पहले हम लोग जो डिफरेंट m है उसके लिए c निकालेंगे, डिफरेंट m के लिए हम लोग c निकालेंगे, और उसका तरीका ये था जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, और वह ये था कि हम लोग फाइ एन माइनस वन, फाइ एन माइनस वन एम को हम लोग जीरो करते थे और इसको सॉल्व करने पर हमको क्या देता है, सी देता है, और वह सी एक इक्वेशन आता सी एम के टर्म में, ठीक है। सी क्या आता है, एम के टर्म में, मतलब जो भी इक्वेशन आता है ना उस इक्वेशन से हम लोग सी निकाल लेते। वो सवाल किए थे तो उसमें बहुत क्लियर हो गया था कि फाइ एन माइनस एम को जैसे ही जीरो कर दिए तो कुछ इस तरह का इक्वेशन आता है, सी स्क्वायर माइनस एट सी एम, है ना, प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो हम लोग यहां से क्या करते थे, सी निकाल लेते थे, समझ रहे हैं बात को। तो सी निकाल लिए, उसी तरह का ये आया, इसको हम हटा देते हैं। अब जो यह सी आपको मिला, इस सी में जो डिफरेंट m का वैल्यू है, जैसे m का m1, तो c में रखेंगे तो हमको क्या निकलेगा, c1 निकलेगा, c1 निकलेगा, या इसको c इक्वल टू कर दीजिए, क्या निकलेगा, जी एम वन। तो m1 स्लोप लिखेंगे तो c हो जाएगा जी एम वन, डिफरेंट डिफरेंट। दूसरा डिफरेंट क्या है, m इक्वल टू m4, तो
इसके लिए सी क्या निकलेगा, जी एम फोर, ठीक है, ये डिफरेंट स्लोप वाले के लिए हो गया। अब आइए कि हमारे पास जो इक्वल स्लोप था वह इक्वल स्लोप वाले, जो इक्वल स्लोप था उसके लिए हम लोग सी कैसे निकालेंगे। तो उसका सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फाई एन माइनस वन यूज किए इसमें, अब फाई एन माइनस टू एम को हम लोग क्या करेंगे, जीरो करेंगे। ये आपके लिए नया, आज के लिए नया था, ठीक है। इक्वल के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाई एन माइनस टू एम को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। और इसको जीरो करने से आपको क्या निकलेगा, सी स्क्वायर का, सी स्क्वायर एम के टर्म में फंक्शन मिलेगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग जीरो कर लेंगे। तो आपको इस टाइप का इक्वेशन लगभग मिलेगा, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस डी इजकल टू जीरो। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, तो सी का दो वैल्यू आएगा, मान लीजिए सी वन और सी टू, ठीक है। कहने का क्या मतलब कि फाई एन माइनस टू एम, फाई एन माइनस टू एम क्या है, एक्स टू दी पावर एन माइनस टू का कॉफिशियंट है, जो हम लोग कहां से लाए हैं, कर्व के इक्वेशन से लाए हैं। तो फाई एन माइनस वन एम इजकल टू जीरो किस में यूज करेंगे, इसमें जो डिफरेंट एम था, और जो सेम एम आया है इक्वल एम के लिए हम लोग किसको यूज करेंगे, फाई एन माइनस टू एम को यूज करेंगे। और उसमें जब एम का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा इस तरह का, और वहां से हम लोग सी का वैल्यू निकालेंगे, सी वन और सी टू। और यह जो C1 C2 किसके लिए आया है, एक ही स्लोप है उसका, सेम स्लोप है, M2 M3, M2 और M3 तो सेम ही है। तो यहां से आपके पास कितने एसिम्प्टोट्स निकलेंगे, दो एसिम्प्टोट्स निकलेंगे, क्योंकि उसका स्लोप सेम है, और स्लोप सेम है इसलिए वो पैरेलल है। और अनइक्वल हमारे पास कितना था, दो था, ठीक है। तो कुल कितने हो गए, चार एसिम्प्टोट्स हो गए। तो यहां आप लिखिएगा एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स आर, पहला क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू, यहां पर देखिए m1, y इजकल टू एम वन एक्स प्लस, उसके लिए c क्या था, जी एम वन। दूसरा एसिम्प्टोट्स हो गया y इजकल टू एम टू, नहीं एम टू नहीं, दूसरा एम फोर, एम फोर अनइक्वल वाले को पहले लिखेंगे, तो एम फोर एक्स प्लस जी एम फोर। अब दो आपके पास इक्वल आ गया जिसका स्लोप सेम है, तो एम, एम टू के लिए भी एम, नहीं यहां देखो एम टू और एम थ्री इक्वल है तो उसको एम मान लिए, लेकिन सी हमारा डिफरेंट हो जाएगा, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वन और वाई इजकल टू एम एक्स प्लस C2। ये दोनों पैरेलल एसिम्प्टोट्स हो गए, ठीक है, और ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल नहीं है, जो भी हो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाए, जो भी हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा मेथड वन के माध्यम से हम लोग पैरेलल एसिम्प्टोट्स को निकालेंगे। अब मेथड टू भी हम बता देते हैं, मेथड टू हमेशा से शॉर्टकट मेथड रहा है और बहुत ही आसानी से बना है, और मेथड वन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, फिर भी मेथड वन भी जानना चाहिए और इसलिए हम इसको बता दिए। अब मेथड टू आपको याद दिला देते हैं और ये बहुत ही आसान है। मेथड टू में हम लोग कल क्या सीखे थे कि इसमें x इजकल टू वन और y इजकल टू एम पुट करते हैं, ठीक है, कर्व के इक्वेशन में हम लोग। तो इसका वर्किंग रूल बहुत तो सेम है, अंतर कहां पर आएगा, जहां पर वो पैरेलल एसिम्प्टोट्स की बात होगी वहां पर। पहला इसमें क्या था कि हम लोग
सिंप्लीफाई एफ एक्स वाई इक्वस टू जीरो। सिंप्लीफाई कहने का मतलब हायर डिग्री को एक जगह, ठीक है, उससे कम वाले डिग्री को उसके बाद अरेंज करने का, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं एक्स इजकल टू वन और वाई इजकल टू एम, एक्स इजकल टू वन और वाई इजकल टू एम पुट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें फाई एन एम निकालते हैं। फाई एन एम कहने का मतलब इस एफ एक्स वाई इजकल टू जीरो में हम लोग जो हायर डिग्री वाले टर्म थे उसमें एक्स बराबर वन और वाई इजकल टू एम पुट करके फाई एन एम निकाल लेते थे, ठीक है। और इसको हम लोग अभी नहीं, पहले सब निकाल लो, ये निकालते थे। फिर इसके बाद हम लोग फाई उससे कम डिग्री वाले टर्म्स में एक्स इजकल टू वन और वाई इजकल टू एम रख कर फाई एन माइनस वन एम निकालते थे। फिर उससे कम टर्म वाले में फाई एन माइनस टू एम निकालते हैं। फिर इसी क्रम में जहाँ तक निकल सके, जितना टर्म निकलेगा उतना टर्म हम लोग निकालेंगे, निकाल लिए। अब उसके बाद स्टार्टिंग हम लोग करेंगे तीसरा स्टेप में फाई एन एम इक्वस टू जीरो कर दिए। अब जैसे जीरो करेंगे फाई एन एम, तो यहाँ से आपको एम का वैल्यू आएगा। अब एम का वैल्यू, फिर आपको एम वन, फिर आया एम टू, एम टू और एम थ्री सेम आ गया, मतलब दो वैल्यू एम का सेम आ गया। जैसे सेम आ गया मतलब उन दोनों स्लोप से जो एसिम्प्टोट्स निकलेगा वह क्या होगा, हमारा पैरेलल होगा, और एम फोर आया। समझने के लिए हमने एम थ्री और एम फोर को इक्वल दिखा दिया, ठीक है। अब जो डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट स्लोप हैं एम वन और एम फोर, तो इससे इसका एसिम्प्टोट्स निकालने का मेथड वही है जो हम लोग पढ़े थे पहले। क्या पढ़े थे उसके लिए यहाँ हम लिख देते हैं चौथा, कि हम लोग पढ़े थे कि यहाँ से C एक फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं, माइनस फाई एन माइनस वन एम डिवाइडेड बाई फाई डैश एन एम। इसमें हम लोग m का कौन सा वैल्यू, ब्लू लाइन से हम नोट किए हैं, m1 और m4 दोनों डिफरेंट है, इन दोनों के लिए यह C हो गया, यहाँ से C, ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब आज जो हम लोग को पढ़ना है वह इस m2 और m3 के लिए जो इक्वल है उसके लिए हम लोगों को पढ़ना है कि उसका हम लोग C कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसका C निकालने का तरीका है, अब वह देखिए, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट में याद रखने के लिए लिख दीजिए ये किसके लिए है, तो नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड एम, नॉन रिपीटेड एम के लिए यह सी निकालने का तरीका है। और रिपीटेड एम के लिए क्या तरीका है, तो उसके लिए इसके बाद हम लिख देते हैं रेड कलर से जो आपको याद रखना है। अब रिपीटेड के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वह देखिए, यह फॉर्मूला सी निकालने के लिए हमको यूज करना है, और वह है फाई डबल डैश एम डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू सी स्क्वायर प्लस फाई डैश, ये डिफरेंशिएशन है, फाई डैश एन माइनस वन एम इंटू सी प्लस फाई एन माइनस टू एम इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक मिनट, इस फॉर्मूला को हम लोग को याद रखना है, और इसमें हम लोग m का वैल्यू रखेंगे,
इसको हम ठीक है फॉर रिपीटेड फॉर रिपीटेड एम, रिपीटेड एम के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें एम के जगह पर क्या पुट करेंगे, जो एम का हमारा क्या है, जो रिपीटेड वैल्यू है, जो सेम वैल्यू हम लोग को आ रहा है एम टू और एम थ्री, उस रिपीटेड वैल्यू को यहां पर हम लोग रखेंगे। अब यह जो फाइ डबल डैश एम है, यह हमारा फाइ एम, सॉरी यहां पर फाइ एन होगा, फाइ एन छूट गया, यह जो फाइ एन एम है इसको जब दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे दो बार तो हमारा निकलेगा क्या, फाइ डबल डैश एम। ठीक है, फाइ डैश एन माइनस वन एम, यह जो है हमारा फाइ एन माइनस वन एम को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, फाइ एन माइनस वन एम। ठीक है, और सी तो सी निकालना है और एम के जगह पर वह जो रिपीटेड वैल्यू है वह रखना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहां से सी निकल जाएगा और सी का यहां से दो वैल्यू आएगा, स्पष्ट दिख रहा होगा सी स्क्वायर सी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो सी वन और सी टू दो निकल जाएगा। अब यहां पर एक चीज और याद रखिए कि हो सकता है किसी सवाल में इसको सॉल्व करने के बाद आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी कहने का मतलब कि इस तरह से इक्वेशन बना कि मतलब जीरो 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 हो जाए, सी भी जीरो हो जाए, मतलब इस तरह का, जैसे आप मान के चलिए ना कि सी स्क्वायर इंटू जीरो प्लस सी इंटू जीरो इक्वस टू हाँ जीरो इंटू जीरो, इस तरह का, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, तो यही होगा कि m नहीं निकल पा रहा है, मुश्किल हो गया, m कैसे निकलेगा। ठीक है, मतलब हमारा ये सॉल्व करने से m नहीं मिलेगा। ठीक है, m निकालने में हम फेल हो गए, नहीं m निकल रहा है। तो अब ये इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ये 5 है, तो अगर नहीं निकला तो घबराना नहीं है, और इसके लिए क्या करना है, इसके डेरिवेटिव को बढ़ा देना है, इसके डेरिवेटिव को बढ़ा देना है और c के पावर को बढ़ा देना है। याद रखने का तरीका क्या है, इस फाई के डेरिवेटिव को बढ़ाएंगे और सी के पावर को बढ़ाएंगे। देखिए हम लिख रहे हैं उसी तरीके से आप लोग को याद रखना है, फाई ट्रिपल डैश, मतलब तीन बार डिफ्रेंशिएट करेंगे फाई एन को, फाई एन एम को, ठीक है, तीन बार डिफ्रेंशिएट किए तो फैक्टोरियल थ्री हो गया और सी का पावर भी थ्री हो गया, दो बार डिफ्रेंशिएट किए तो सी का पावर टू, तीन बार डिफ्रेंशिएट किए तो सी का पावर थ्री, प्लस अब उसके बाद यहां पर फाई के साथ क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा एम, और फाई कौन सा है, एन माइनस वन है, एन माइनस वन को दो बार डिफरेंशिएट किए तो यहां पर सी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और नीचे फैक्टोरियल टू हो जाएगा, प्लस अब क्या हो जाएगा, फाई एन माइनस टू, फाई एन माइनस टू एम, इसका कितना डिफरेंशिएशन, अब एक, नीचे में फैक्टोरियल वन, वन ही होगा, प्लस फाई एन माइनस थ्री एम, ठीक है, और यहां पर सी छूट गया, इक्वस टू जीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह एक क्यूबिक इक्वेशन आएगा, एम का वैल्यू वही रिपीटेड वैल्यू रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा और यहां से c का तीन वैल्यू मिलेगा c1 c2 c3 और उसके लिए तीन एसिम्प्टोट्स निकलेंगे। फिर हम लोग एसिम्प्टोट्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m का वैल्यू और c का वैल्यू रखने के बाद सारे के सारे एसिम्प्टोट्स हमारे पास निकल जाएंगे। ठीक है, तो मेथड टू में क्या है कि बस दो फॉर्मूला है जिसको याद रखना है और इसका प्रोसेस आसान है और बहुत कम स्टेप में बन जाता है।
ये तो हम वर्किंग रूल बताए, वर्किंग रूल से अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा तो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उससे आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा। फिर एक दो सवाल कीजिएगा तो हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि अभी जो सवाल लेते हैं उसको सेकेंड मेथड से बनाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि एसिम्प्टोट्स के सवाल को अधिकांश आप मेथड टू से ही बनाइए तो आसानी से बनेगा, क्योंकि उसमें उसका सॉल्यूशन छोटा होता है। तो हमको मेथड टू से बनाना थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है, तो इसलिए आप लोगों को भी हम कहते हैं कि मेथड टू ही इस्तेमाल कीजिए। वैसे आप लोग कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे वो आप कीजिए। अभी हम जो करने जा रहे हैं सवाल, इसको हम लोग मेथड टू से बनाते हैं और इसको देखिए कैसे करते हैं। एग्जाम्पल सवाल ये है हमारा, फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू इक्वल टू एक्स प्लस नाइन वाई प्लस फोर। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये हमारा कर्व का इक्वेशन है और इसका एसिम्प्टोट्स निकालना है। अब इसमें कितने पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकलेंगे, मतलब एम के कितने वैल्यू रिपीटेड होंगे और एम के कितने वैल्यू नॉन रिपीटेड होंगे, उसके हिसाब से हमारे एसिम्प्टोट्स निकलेंगे। तुम लोग मेथड टू का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आप क्या कीजिए कि इसका हाईएस्ट डिग्री खोजिए कि हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म कितने हैं, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है इसको सॉल्व कर लेना। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू इक्वल टू एक्स प्लस नाइन वाई प्लस फोर। सॉल्व इसलिए कर रहे हैं ताकि डिग्री हमको आसानी से मिल जाए, डिग्री वाले हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म उससे कम डिवाइड टर्म को हम लोग अलग अलग कर सके। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स से, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू वाई क्यूब, सही है, प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर एक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस नाइन वाई प्लस फोर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब आप क्या कीजिए कि हमको लगता है कि इसमें हाईएस्ट डिग्री थ्री है, तो हाईएस्ट डिग्री थ्री वाले को मार्क कर लीजिए, वो कहाँ कहाँ है टर्म, हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म। तो ये थ्री डिग्री के टर्म इसमें हैं, थ्री डिग्री इसमें हैं, थ्री डिग्री इसमें भी है, थ्री डिग्री इसमें है, थ्री डिग्री इसमें है, इसमें भी थ्री डिग्री है। तो सारे थ्री डिग्री वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई, टू एक्स स्क्वायर वाई, और कोई एक्स स्क्वायर वाई है नहीं है, कितना हो गया फोर एक्स स्क्वायर वाई
ठीक है। अब 3 डिग्री वाले टर्म एक्स वाई स्क्वायर, ये देखो एक्स वाई स्क्वायर और 4xy² कितना हो गया 5xy² और कोई टर्म है इसमें 3 डिग्री वाले टर्म और कोई है टू वाई क्यूब ये बच गया ना ये प्लस 2y³ हो गए 3 डिग्री वाले टर्म खत्म हो गए। अब इसको हम लोग हटा देते हैं मार्क। अब इसके नीचे क्या होगा 2 डिग्री वाले टर्म होंगे, 2 डिग्री वाले टर्म होंगे उसको आप खोजिए कि 2 डिग्री वाले टर्म कहाँ है, प्लस 2 डिग्री वाले टर्म आपके पास कहाँ है, इसको दूसरे कलर से करते हैं, एक एक दो दो तीन, ठीक है तीन बस और नहीं है, तो 2 डिग्री वाले टर्म कितने हो गए 3, उसको आप एक जगह लिखिए तो 2x² प्लस 2y² प्लस 4xy, इसके बाद क्या होगा 1 डिग्री वाले टर्म, तो 1 डिग्री वाले टर्म तो इक्वल टू के उस तरफ है तो माइनस कर दीजिए और एक्स प्लस 9y कर दीजिए माइनस 4=0, ठीक है समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कीजिए कि x=1 पुट x=1 और y=m, इन हायर डिग्री उससे कम डिग्री में आप रखते हैं और उसको एक नाम देते हैं, ठीक है तो फाई, अब इसमें हायर डिग्री 3 है तो फाई 3m कहते हैं और उसमें क्या करेंगे इसमें x=1 और y=m रखते हैं तो रखने पर क्या मिलेगा x³ तो 1³, 4x²y तो 4 x के जगह पर 1 रखे 1 का स्क्वायर 1 y m तो 4m प्लस 5 × x के जगह पर 1 रखे y तो 5m² प्लस 2y³ तो हो गया 2m³, ये आपका हो गया 5 3m। इसके बाद इससे कम डिग्री वाले कौन है 2 डिग्री वाले यहां पर, तो 2 डिग्री वाले को लिखेंगे 5 2m। अगर यहां पर आप फाई एन या फाई एन माइनस 1 भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कल जब हम लोग सवाल कर रहे थे तो उसमें हम लोग फाई एन ही यूज किए थे और फाई एन माइनस 1 यूज किए थे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप रखिए इस वैल्यू को, तो इसमें हम लोग x=1 और y=m रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 2m² प्लस 4 x=1 और y=m, तो ये हो गया 4m, ठीक है। अब फाई 1 भी लिख दीजिए, उससे कम डिग्री वाले कहां पर है यहां है, ये है 1 प्लस 9m, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का क्या था मेथड कि जो हायर डिग्री था उसको हम लोग जीरो करते हैं m निकालने के लिए, अर्थात फाई 3m को क्या करेंगे जीरो करेंगे, तो यहां से हमारा m निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4m प्लस 5m² प्लस 2m³=0 करेंगे और इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे m का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 2m
तो हम लोग इसमें एम स्क्वायर, ठीक है, दो और दो चार, तो एक्स प्लस टू वाई एक्स प्लस नाइन एम, इसमें माइनस भी था ना, एक चीज छूट गया, इसमें माइनस भी है, इसमें माइनस भी है, ये वाला माइनस। अब इसको फैक्टर कीजिए और फैक्टर करके इसमें से आपको m का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या कीजिए, एक काम कीजिए, इसको ये क्या हो गया, एक मिनट, इसको फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वन प्लस एम स्क्वायर प्लस टू एम, वन प्लस टू एम प्लस एम स्क्वायर प्लस टू एम करेंगे तो फोर एम प्लस, अब इसमें से एक एम स्क्वायर निकाल लिए, फोर एम स्क्वायर प्लस टू एम क्यूब इक्वल्स टू जीरो। अब इसका फैक्टर करने के लिए ये हो गया वन प्लस टू एम प्लस एम स्क्वायर, इसमें से टू हमारा कॉमन आ जाएगा या टू एम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन प्लस टू एम कॉमन ले लिए तो यहाँ टू एम बचा, यहाँ पर एम स्क्वायर बच गया इक्वल्स टू जीरो। अब इसको ब्रैकेट कर लेते हैं तो वन प्लस टू एम प्लस एम स्क्वायर, ये कॉमन ले लिए, यहाँ ये और ये कॉमन ले लिए तो कितना बच गया, वन प्लस टू एम, ठीक है, अब हो गया इक्वल्स टू जीरो। अब ये हो गया वन प्लस एम का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस टू एम इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये और ये कॉमन आ गया, कैलकुलेशन में बहुत मुश्किल नहीं है, आसान ही है, तो यहाँ पर इसको कॉमन लिए तो यहाँ पर वन आ गया, यहाँ पर टू एम आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वन प्लस एम का ऐसे लिखते हैं, वन प्लस एम का होल स्क्वायर, तो वन प्लस एम इंटू वन प्लस एम, यहाँ पर हम लोग बराबर गलती करते हैं इसलिए इस गलती ना हो दो बार लिख दिए, यहाँ पर देखिए m का वैल्यू रिपीट करेगा, अब यह भी जीरो होगा, यह भी जीरो होगा और यह भी जीरो होगा, तो m का वैल्यू क्या आया, वन और वन, इन दोनों एक्सप्रेशन से, सॉरी माइनस वन और माइनस वन, माइनस वन और माइनस वन, माइनस वन माइनस वन, तो इसी को बोलते हैं रिपीटेड, जो बार बार बोलते थे m का दो सेम वैल्यू आएगा, m का दो इक्वल वैल्यू आएगा, इन सब टर्मों का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, सेम वैल्यू आएगा, इक्वल वैल्यू आएगा या रिपीटेड होगा, तो देखिए रिपीटेड है, यहाँ से वैल्यू जब निकाले तो एम का माइनस वन और माइनस वन, और इससे जब निकालेंगे एम, वन प्लस टू एम इजकल टू जीरो, तो एम इजकल टू माइनस वन बाई टू, और ये आ गया नॉन रिपीटेड, ठीक है। अब इसके बाद एम निकल गया, अब नॉन रिपीटेड के लिए, नॉन रिपीटेड के लिए तो हम लोग पढ़े हैं कि सी कैसे निकालते हैं, तो माइनस फाई एन माइनस वन, एन हमारा यहाँ पर थ्री है, थ्री डिग्री हाईएस्ट डिग्री है, तो एन माइनस वन मतलब थ्री माइनस वन, तो फाई टू एम डिवाइडेड बाय फाई डैश थ्री एम, ये हमारा फॉर्मूला है, तो यहाँ से आपका सी इजकल टू माइनस फाई टू एम, क्या निकाले हैं वह देखिए, फाई टू एम, यह टू इसमें से कॉमन ले लीजिए टू, यहीं पर इसको आपको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसमें से अगर टू हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस एम स्क्वायर प्लस
टू एम, और ये आपको 1 प्लस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, इसको हटा दीजिए ब्रैकेट को पहले, 2 इंटू 1 प्लस एम का होल स्क्वायर हो गया ये। नीचे फाई थ्री डैश एम, मतलब डिफरेंशिएट करना है तो यहीं पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। यहीं पर देखिए इसको डिफरेंशिएटिंग करते हैं तो फाई डैश एम कितना हो जाएगा, थ्री कर दीजिए, थ्री, वन का जीरो, फोर एम का फोर, प्लस फाइव एम स्क्वायर का टेन एम, और टू एम क्यूब तो प्लस सिक्स एम स्क्वायर। सही है ना? इस वैल्यू को वहां पर डिनोमिनेटर में रख देना है, फाइव डैश फाइव थ्री डैश एम, फोर टेन सिक्स, फोर टेन सिक्स, फोर टेन सिक्स। ठीक है, यह जो c निकलेगा किस m के लिए c निकलेगा, जो डिफरेंट है m इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू के लिए यह c निकलेगा, और वह c में m का यह वैल्यू आप रख दीजिए, टू इंटू वन प्लस, तो वन माइनस हो जाएगा ना, m का वैल्यू माइनस वन बाई टू है तो ये वन माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा, फोर माइनस टेन इंटू वन बाई टू प्लस सिक्स इंटू वन बाई फोर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो वन में से वन बाई टू गया तो वन बाई टू होगा, उसका स्क्वायर वन बाई फोर होगा, वन बाय फोर इंटू माइनस माइनस टू इंटू वन बाई फोर तो माइनस वन बाई टू। ठीक है, नीचे थोड़ा रफ कर लेते हैं, बहुत लिखने से कोई फायदा नहीं है, फोर माइनस फाइव प्लस ये हो जाएगा थ्री बाई टू, तो ये हो गया माइनस वन प्लस थ्री बाई टू, तो टू एलसीएम ले लिए तो माइनस टू प्लस थ्री तो वन बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाई टू, उसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, इसको मिटा दीजिए तो क्या हो गया माइनस वन, माइनस वन, तो m का वैल्यू जब माइनस वन बाय टू रखे तो c कितना हो गया माइनस वन। यह एक एसिम्प्टोट्स का m और c हो गया। ठीक है, हमारे पास कुल कितने एसिम्प्टोट्स होंगे, तीन होंगे, m का तीन वैल्यू आया है तो हमारे पास तीन एसिम्प्टोट्स होंगे। अब जो हमारे पास इक्वल m है, यहां देखिए इक्वल m, या इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेड m, यह मेरे लिए आज नया है। इसको निकालने के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखे थे उसको आप लिखिए, वो क्या था कि पहला f डबल डैश फाई डबल डैश फॉर c फाइ डबल डैश एम, और ये क्या होगा एन अपॉन फैक्टोरियल टू सी स्क्वायर प्लस फाइ एन माइनस वन एम डैश होगा, नीचे फैक्टोरियल होगा वन तो वन ही हो जाएगा, अब एक डेरिवेटिव है तो इनटू सी हो जाएगा, प्लस अब क्या हो जाएगा फाइ n माइनस टू एम इक्वस टू जीरो। याद रखने का तरीका भी हम बताए थे कि पहले डबल डैश से शुरू करेंगे, अगर इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा आइडेंटिटी आ जाएगा c नहीं निकल पाएगा, तो फिर हम लोग अगले फॉर्मूला में यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे, अभी इसी में रखते हैं। तो फाइ एन एम, हम लोग फाइ एन एम निकाले हैं डैश है ना, है एन की जगह पर यहाँ थ्री कर दीजिए, हाईएस्ट पावर हमारा थ्री है तो एन को मिटा करके यहाँ हम लोग थ्री कर देते, एन की जगह पर थ्री है और यहाँ पर एन माइनस
1 के जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर n माइनस 3 के जगह पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फाई थ्री m, फाई टू m और फाई वन m आप यहाँ पर लिख लीजिए, उसका डिफ्रेंशिएट करना है तो बार बार ऊपर नहीं जाना होगा, ऊपर जा करके हम लोग या ऊपर में ही इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर यहीं पर हम लोग कर देते हैं, फाई थ्री डैश एम तो निकाले थे, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है तो फाई डबल डैश एम हो जाएगा, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4 का 0, 10 एम का 10 और 6 एम स्क्वायर हो जाएगा 12 एम, ठीक है। अब आ जाइए फाई टू एम कितना है, यहाँ है तो इसको घेर के हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, फाई टू डैश एम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, तो इसका डिफरेंशन क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 1 + m, ठीक है। अब निकालना है आपको फाई थ्री फाई वन एम, तो फाई वन एम तो इसको डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं है, उसका वैल्यू हम लोग को रख देना है, 10 + 12 m लिखते जाइए, यहाँ पर हो जाएगा फाई डबल डैश m हो गया 10 + 12 m, फाई डबल डैश m 10 + 12 m सही लिखे, और ये हो जाएगा 4 × 1 + m, ये हो गया 4 × 1 + m, ठीक है। और फाई वन एम कितना है, फाई वन एम 1 + 9 m माइनस के साथ, -1 + 9 m। अब इन सभी वैल्यू को हम लोग इसमें रखते हैं और m का वैल्यू भी रख देंगे, m का वैल्यू भी यहीं पर पुट, m कितना आया है -1, जो रिपीटेड है उसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू, या उसमें रख के हम लोग निकालेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 10 + 12 m सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, प्लस 4 × 1 + m फाई टू डैश m इंटू सी प्लस फाई वन एम, तो ये माइनस हो जाएगा -1 + 9 m = 0। अब m के जगह पर -1 रखिए, इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 6 m इंटू सी स्क्वायर प्लस 4 × 1 + m सी -1 + 9 m = 0। अब m के जगह पर -1 दीजिए, m के जगह पर -1 देंगे तो 5 - 6 हो जाएगा, तो 5 - 6 - 1, तो ये हो जाएगा -c². यहाँ पर m के जगह पर -1 देंगे तो 1 - 1 = 0, ये सेकेंड टर्म 0 हो गया, माइनस अब आइए 1 + 9 m, तो 9 × -1 -9 -9 + 1 -8 -8 - +8 = 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो c² = 8, तो यहाँ से c का 2 वैल्यू आया प्लस माइनस रूट एट, तो c = 4 √2 और -2√2, c का 2 वैल्यू आया, m का भी तो 2 वैल्यू है, m भी -1 और -1। अब आप एसिम्प्टोट्स लिखिए, एसिम्प्टोट्स आर एसिम्प्टोट्स आर
पहला m हम लोग क्या निकाले थे, m इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू जो डिफरेंट था, उसके लिए c क्या निकला था, भूल गए, उसके लिए c निकला था, उसके लिए c निकला था माइनस वन, माइनस वन बाय टू का माइनस वन। और अभी का जो हमारा है वो तो सामने में है, यहां पर ये तीन एसिम्प्टोट्स निकलेगा, यहां पर दो हमारा है। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रखेंगे तो पहला निकलेगा y इक्वस टू एम एक्स, तो माइनस वन बाय टू एक्स माइनस वन, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू वाई प्लस एक्स प्लस टू, सॉरी प्लस टू इक्वस टू जीरो। दूसरा क्या हो जाएगा, ये रिपीटेड वाला वाई इजिकल टू माइनस वन, तो माइनस एक्स प्लस टू रूट टू, मतलब एक्स प्लस वाई माइनस टू रूट टू इक्वस टू जीरो। तीसरा हो जाएगा वाई इक्वस टू माइनस एक्स माइनस टू रूट टू, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू इक्वस टू जीरो। ये दोनों हमारे क्या हो गए, पैरेलल एसिम्प्टोट्स हो गए, और वह जो है हमारा डिफरेंट एसिम्प्टोट्स हो गए। आज हम लोग पैरेलल एसिम्प्टोट्स को बनाने का मेथड, हम पहला मेथड और दूसरा मेथड से हम समझाने का प्रयास किए, और बहुत ही आसानी से हम प्रयास किए हैं बताने का, और आप लोगों को समझ में आया ही होगा। और इसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम उसको फिर प्रयास करेंगे सुधार करने का। अब एक क्लास और है इसमें, एसिम्प्टोट्स में एक क्लास और होगा, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकालने का, ठीक है। ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के लिए हम एक क्लास और देंगे, नेक्स्ट वीडियो कल हमारा ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स हम लोग करेंगे कल। तब तक आप लोग क्या करें कि इस पर कुछ जो सवाल हो अपने बुक से वो आप कर लीजिए, ताकि ये क्लियर हो जाए, और कल हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है।